एनिमल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, और एनिमल क्लासिफिकेशन के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लास्ट लास्ट बार अपन ने डिस्कस किया था मेजर माइनर, इस तरह के बात हमने की थी। मेजर और माइनर फाइला के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मेजर और माइनर फाइला होते क्या हैं, और इतने तरह के, हमने जब पिछली क्लास में कहा कि करीबन 30+ फाइला हैं टोटल, तो उसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी फाइलम को मेजर तो किसी दूसरे फाइलम को माइनर डिसाइड करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम मेजर और माइनर को कंसिडर। याद रहे, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि केवल केवल इतना रट लेने से कि ये 9 या ये 10 जो है वो मेजर फाइला है, बाकी सब माइनर फाइला है, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल आ गया वो सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपको वो दो फैक्टर पता होने चाहिए जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल हम लिखते हैं मेजर वर्सेस माइनर फाइलर, टाइटल तो लिख ही लेना चाहिए, मेजर वर्सेस माइनर फाइल। अगेन फाइला यूज कर रहा हूं मैं, फाइलम सिंगुलर होता। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पिछली बार ये कहा कि कितने हैं टोटल जो है वो 10 फाइला है जो कि मेजर है। टोटल कौन कौन से हैं, अगेन बार बार जित आप भी इसे बार बार लिखे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीस, इसके बीच में कुछ माइनर फाइला बीच बीच में घुसे हुए हैं, ये अपन आगे करेंगे, अपन आउटलाइन पढ़ेंगे जो सबसे काम की है। लेकिन इससे पहले हमें मेंटली रेडी होना है, हमें उन चीजों को थोड़ा थोड़ा जानना है जो आउटलाइन में यूज होने वाली है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और जब हम ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे और आउटलाइन समझ लेंगे, तो हम फिर बाकी के अंदर का हमें पढ़ पाएंगे, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हम आराम से सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमें एक बर्ड आई व्यू देखना है, जैसे हम किसी शहर का नक्शा देखते हैं ना गूगल पे, आप जूम आउट करके देखते हो, देखते हो अच्छा ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है, तो हमें ओवरऑल समझ आती है। तो हमें उस चीज पे मेहनत करती है, हमें सीधा ही जूम करके सिलेंड्रेटा के अंदर घुस के, हाइड्रा के अंदर घुस के नहीं पढ़ना, अभी वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें बर्ड आई व्यू देखना है कि हमें जब बहुत ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, ठीक है, उसको मजबूत करने की। प्लेटी हेलमिंथीज है, लास्ट लेक्चर मैंने एसके हेलमिंथीज लिख दिया था। एसके हेलमिंथीज वैसे तो सही है लेकिन ज्यादा टेक्निकली गलत है, बिकॉज एसके हेलमिंथीज एक सुपर फाइलम है, फाइलम नहीं है एसके हेलमिंथीज, ध्यान रखने की बात है। एसके हेलमिंथीज क्या है, सुपर फाइलम, फाइलम क्या है, निमेटोडा। क्योंकि एसके हेलमिंथीज सुपर फाइलम के अंदर 4 या 5 फाइलम आते हैं, और उन पांचों में से एक जो फाइलम जो मेजर है वो है निमेटोडा। हम क्या पढ़ते हैं, एसके हेलमिंथीज अथवा निमेटोडा। गुड नॉलेज और एवरेज नॉलेज में इतना ही अंतर, ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन का है, क्या आएगा, निम्न में से मेजर फाइलम कौन सा है, पहला क्या एसके हेलमिंथीज, दूसरा निमेटोडा। एसके हेलमिंथीज मेजर फाइलम नहीं है भाई, एसके हेलमिंथीज में क्या क्या है वो भी चलो मैं बता देता हूं। एसके हेलमिंथीज में क्या क्या है सुन लो, कम से कम नाम तो सुन लो। एसके हेलमिंथीज में आते हैं एंटोप्रोक्टा, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोडा, निमेटोमोर्फा, और हाँ निमेटोमोर्फा, काफी सारे आगे पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। लेकिन मैंने यहां इस चीज को रेक्टिफाई किया, दिस इज निमेटोडा, ठीक है। उसके बाद एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट, नौ तो हो गए ये, इस कौन से वाले नॉन कॉर्डेट, और जो बचा है वो है कॉर्डेट, इसको मैंने अलग से लिखा। ये सारे के सारे कॉर्डेटा के अलावा जो है वो है नॉन कॉर्डेटा, और इसमें यहां तक
लोअर है और ये यहां तक है हायर। अब हमें ये देखना, जैसा कि हम कह रहे थे कि ये माइनर और मेजर फाइल, तो कौन से कारण है जिनके आधार पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खुश कर देते हैं, क्या कहें हिंदी में, निर्धारित करने वाले कारक, चलिए लिख देते हैं निर्धारित करने वाले कारक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे खुश हो जाते हैं सिलेबस हिंदी में लिख देते ना, जबकि फर्क कुछ नहीं पड़ता। अगर आप हिंदी मीडियम का पेपर देख लेना जो एग्जाम्स में आता है, तो आपका हिंदी पे से विश्वास उठ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए, जब तक आप टर्मिनोलॉजी को ज्यादा इंग्लिश में नहीं फॉलो करेंगे, आप प्रॉब्लम में रहेंगे हमेशा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जीत होती है। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है, दोनों काम की बात है। सबसे पहली चीज है कि हम उस फाइला को मेजर फाइला कहेंगे जिसके अंदर सम्मिलित संघों परी, जिसके अंदर सम्मिलित जातियों की संख्या ज्यादा हो, यानी ऐसा फाइलम मेजर होगा जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज हो और ज्यादा से ज्यादा प्राणी हो। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ स्पीशीज मस्ट बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो क्या हो, हाई नंबर ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं सम्मिलित जातियों अथवा प्राणियों की संख्या ज्यादा हो, यानी कुल मिलाकर के जैसे दो फाइल में, एक में तो 50 ही जाती हैं खाली और दूसरा 500 या फिर 5000 जाती हैं, तो मेजर फाइलम उसे बोलेंगे जिसके अंदर प्राणियों की संख्या या जो स्पीशीज की जो संख्या उसके अंदर क्लासिफाइड है वो ज्यादा बड़ा हो। दिख रहे नाम से मेजर और माइनर, लेकिन केवल इस बेसिस पर ही हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, दूसरा कारक और भी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी फाइलम के अंदर पाए जाने वाले प्राणियों अथवा जातियों की संख्या तो ज्यादा नहीं है, परंतु उन जातियों का, गौर करना, परंतु उन जातियों का जिस आवास में, जिस हैबिटाट में वो प्रेजेंट है, जिस हैबिटाट में वो पाई जाती है, उस हैबिटाट की इकोलॉजी में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में, आई नो। ठीक है, पहले लिख देता हूं, लिख देता हूं बोर्ड पे, उस संघ के प्राणियों का इकोलॉजी में योगदान, इंग्लिश में लिख दो, इकोलॉजिकल रोल या कॉन्ट्रीब्यूशन, इन इट्स हैबिटेट, अपने हैबिटाट में उसका रोल मेजर होना चाहिए। इस चीज को समझिए आप, जैसे मैं कहूं जैसे सिलेंट्रेटा की बात करते, मान लेते सिलेंट्रेटा में प्राणियों की संख्या, स्पीशीज की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां सिलेंट्रेट पाए जाते हैं, समुद्र के जिस इलाके में सिलेंट्रेट पाए जाते हैं, वहां की इकोलॉजी में, वहां की पारिस्थितिकी तंत्र में उसका रोल बड़ा महत्व, तो वहां से अगर हम सिलेंट्रेट को निकाल लें तो वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब दे आर हैविंग मेजर इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी, उस हैबिटेट, उस आवास की इकोलॉजी में इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी इकोलॉजिकल जो डोमिनेंस है, उसकी पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से जो डोमिनेंस है, उसमें उनका रोल चूंकि मेजर है, इसलिए कई बार हम दूसरे कारक का भी निर्धारण, दूसरे कारक के बेसिस पर भी हम मेजर का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है,
उदाहरण लेते हैं, अच्छा उदाहरण आपको समझ में आएगा। ये जो हमने अभी 9 लिखे हैं, 9, इनके अलावा दो जो फाइलम है जो माइनर है, लेकिन उनके अंदर जो जातियों की संख्या बहुत पाई जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कौन सा है? एक है रोटीफेरा और दूसरा है एक्टोप्रोक्टा। एक है रोटीफेरा और दूसरा है एक्टोप्रोक्टा, ठीक है? और रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा प्लेटीहेलमिंथीज के बाद में आते हैं, निमेटोडा से पहले आते हैं, यहां आते हैं ये दोनों, रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा। ये दोनों ही एसके हेलमिंथीज में है, क्योंकि एसके हेलमिंथीज सुपर फाइलम है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखने की बात है, इनमें, इन दोनों में संख्या जो है वो काफी है, संख्या बहुत ज्यादा है इनके अंदर जो जातियां हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल रोल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इनको मेजर बनाया जाए, इसलिए इनको इस बेसिस पर हटा दिया गया है, और इसलिए रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा महज एक माइनर फाइल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत क्लियर है, रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा। अब ये कहाँ आते हैं हम आगे देख लेंगे, अभी इस अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो ज्यादा है, मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा करके दो माइनर, अभी तो माइनर ही है, ठीक है, दो फाइला है यू मान लेते हैं। इनके अंदर जंतुओं की संख्या काफी ज्यादा है, बहुत अच्छी खासी, इतनी है कि इन्हें मेजर कहा जा सकता है, लेकिन हमने मेजर क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज इनका इकोलॉजिकल रोल इतना फाइन, ठीक है? तो ये कारण है जब जिस बेसिस पर हमने मेजर और माइनर फाइला डिसाइड। आई होप समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।